नहीं, कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली। तो भोले बाबा ने पूछ लिया, पार्वती हाँ, वैसे एक बात पूछे, पूछो। पहले तुम कहीं जाती थी तो हमें अपने संग लेके जाती थी, संग अगर नायू लेके जाती तो बता के जाती थी, आज तो ना संगू लेके जा रही ना बता के जा रही, कहाँ जा रही, अकेली वो भी रात में। पार्वती बोली, प्रभु आपको मालूम नहीं है महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने जा रही हूँ, अकेली अकेली जा रही हूँ, हमें अपने साथ नहीं ले चलोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। बोले बाबा, बोले लो कर लो बात, पुरुष नहीं जाते महिलाएं जाती हैं, अरे कोई बात नहीं तुम्हारी, हमें अपने साथ ले चलो। बोले मैंने कहा नहीं, पुरुष नहीं जाते केवल महिलाएं जाती हैं। तो बोले बाबा, बोले ऐसो करो, कैसो तुम्हारे पास में नई ना तो फटी पुरानी तो साड़ी हो जाएगी, साड़ी साड़ी का क्या करोगे? बोले पहनी जाती है, पहना लो तब महाराज दिखाओ। पार्वती बोली, प्रभु एक बात सोचो, क्या कोई बात ना, अंदाजा लगाओ, चलो हमने साड़ी तुम्हें पहनाए दे, हाँ, और जब हाथ भरे की दाढ़ी ठाड़ी जाए खा ले जे हैं? तो बोले बाबा, बोले कुछ भी करो महाराज जरूर दिखा। तो बोले गौरा से एक दिन यो भोला, ओ प्यारी हम भी जाने, बोले गौरा से एक दिन यो भोला, बोले कुछ भी करो। महाराज जरूर दिखाओ। अच्छा भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए, कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए, श्रृंगार किया, श्रृंगार कर रहे, अद्भुत बड़ा रूप बना रहे बैठे। कैसा अद्भुत रूप कि सजी रहे बैठे भोलेनाथ, भगवान शंकर सजी रहे बैठे भोलेनाथ, जनम जोड़े
ना सोहे हाथ, कन ना सोहे हाथ जनाने जोड़े, साड़ी पहनी, लंबो सो घूंघट निकालो, सामने खड़े हो गए, बोले चलो अब का देख रही ढाड़ी ढाड़ी। पार्वती बोली प्रभु जरा सोचो अगर वहां किसी ने पहचान लिया तो बोले बाबा बोले तुम बैठो यहां और मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती जा रही, पीछे से बोले बाबा लंबो सो घूंघट मारे जा रहे। महाराज में अंदर नहीं घुस पाए, दरवाजे पे एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहां जा रही है? पार्वती बोली ये कोई पूछने की बात है, कहां जा रहे हैं? है? महाराज हो रहा है, महाराज को देखने के लिए आए, भाई देखने जा रहे हैं। गोपी कहने लगी जाइए जाइए, मना कौन कर रहा है, जाइए। लेकिन ऐसे नहीं, फिर पहले आप अपना परिचय लिखाओ। क्या मतलब? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है, उसके बाद अंदर जाओ, ऐसे नहीं जा सकती। पार्वती बोली तुमने पहचाना नहीं? नहीं पहचाना, तभी तुम्हें पूछ रही हूं क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो? बोले मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा, बोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ, तो तुम जाओ जाओ। अच्छा, पार्वती तो अंदर बड़ी और भोले बाबा इनके पीछे पीछे जैसे अंदर बड़े। सो गोपी ने रोक लिया, है तुम कहां जा रही हो? इधर आओ। लौट आई, क्या हुआ? पार्वती भी सामने पहुंची, क्या हुआ, जाने नहीं दिया। गोपी कहने लगी भाई तुम्हारी तो मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो, भोले बाबा की पत्नी हो, और जे जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी जे ना मालूम कौन है, कौन है ये तुम्हारे साथ है? जी जी मेरे साथ है। तो तुम्हें मालूम होगा? हाँ मालूम है। कौन है ये? सोचिए अब क्या करें, कहा बताएं? बोले बाबा से कही, अब जब पूछ रही तो हम जा कहा बताएं? बोले बाबा धीरे से ही बोले, बोले कछु बताए तो भीतर निकल चले, फिर कौन सी चिंता है? गोपी कहने लगी क्या आपस में बातें कर रही भाई, तुम्हारे साथ है तुम्हें मालूम नहीं? बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मालूम है। तो मालूम है तो है कौन ही है, जरा हमें भी तो बताओ। बोले कोई गैर नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं, हम तुम्हें बताए, कोई गैर नहीं। कि जय है गणपति की। क्या मतलब? बोले हमारे लड़का जो गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया कोई गैर थोड़ी, हमारे लड़का जो गणेश है ना, जो उनकी पत्नी तो है। और जैसे ही इतने शब्द सुने गोपी ने, दो चार बार ऊपर से नीचे देखो, पर एक बात कही बड़ी चालाक हो बहुत, अपन से बहुत लंबी ढूंढी है, शादी कब करी? बोली कोई ज्यादा दिन थोड़ू भाई, ज्यादा दिन है भाई, सुने सोई गोपी दौर परी बड़ी चालाक,
आदि कर ले हमें खबर यू ना करी करी ले शादी अपने लला की खबर ना मोई भी जमाई तो मने हमें ना बुलाओ तुम तो आई गई तो कैसो करो कैसो अब घूंघट तुम्हें कई उठाइयो देखे घूंघट तुम्हें कई उठाइयो देखे कैसी बहुवरी आई कैसी गणपति की बहुवरी अरे गुइया माना रे से हो कैसी गणपति की बहुवरी माना रे से गोपी बोली ने घूंघट उठाए के दिखाए दे कैसी बहू आई है अरे हमऊ तो देखे कैसी बहू है सोची है अब क्या करें है? एक बात कही जब हम तुम्हारे घर पे आए गए तब ने कहरी ने कि बहू दिखाए दे यहां बिल्कुल ना दिखे वही अयो कैलाश पर्वत पे भाई दिखाए सोई भोले बाबा को हाथ पकड़ो भीतर लाइन चली गई चलो ना बिना मतलब में देख रहे डाड़े डाड़े चलो अंदर पहुंचे भोले बाबा बैठे हैं पार्वती बैठी है और भोले बाबा तो घूंघट मारे बैठे पार्वती तो बड़े आराम से महाराज देख रहे अब आए महाराज देख भी सो देख नहीं पा रहे थोड़ो घूंघट ऊपर को चुकाता है सुबह नजदीक ही बैठी दौर पत्ती नीच न करे रहो भजे चले आई वन से और तो बड़े परेशान सोच रहे अगर हमारे दाढ़ी ना होती तो महाराज जरूर देखते अब आप लोग सोच रहे हो अगर घूंघट मारे